भारत, कहीं उत्तर भारत तो कहीं पूर्वी भारत और कहीं पश्चिम भारत, कहीं मराठी और कहीं बिहारी का बड़ा भाई भारत। 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को हमने चूमा था, ऐसे बिखरे भारत के लिए नहीं बाबू, हमने अखंड भारत का सपना देखा था और हमें वही भारत चाहिए बाबू, वही भारत। नहीं भगत, मैं तुम्हारे इन विचारों के साथ सहमत नहीं हूँ। हमारे पास इन सभी समस्याओं का संवैधानिक समाधान है। जरूरत है तो सिर्फ जागरूकता जगाने की, जरूरत है तो सिर्फ सर्वभव उत्थान की। राष्ट्र का निर्माण तो संस्थाओं से होता है और संस्थाओं का न केवल निर्माण हो रहा है बल्कि वे जवाबदेह और उत्तरदायी भी होती जा रही है। देश राष्ट्र की ओर अग्रसर है और हम तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। बस भी करो नेहरू, किन संस्थाओं की बात करते हो? जिन संस्थाओं में नैतिक मूल्यों का कोई निश्चित स्थान न हो वो संस्थाएं किस बात की है? यही वर्तमान नेता आज उन संस्थाओं के जनक हैं जो खुद नैतिक मूल्यों से परे हैं। इसी भारत और बापू ने मुझे नेताजी करके बुलाया था। बापू, आज आप मुझे नेताजी नहीं, मेरे नाम सुभाष से मुझे बुलाया। और बापू, आप तो हर जाति के मुखिया थे, फिर ये जाति के नाम पर राजनीति, भारत को तोड़ने की कैसी साजिश है बापू? धर्म के नाम पर दंगे, ये अब मुझसे नहीं देखा जाएगा। अब मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से लड़ना होगा, मगर इस बार गैरों से नहीं, अपनों से बापू, अपनों से। समृद्ध भारत, अगर ये भारत का समृद्ध तो फिर ये गरीबी क्यों? बापू, ये महान संस्कृति आज दम तोड़ती दिखाई दे रही है। बापू, आप ही कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में है, तो फिर ये गांव और शहरों में इतना दुराव क्यों? नहीं भगत, किसी भी राष्ट्र का निर्माण एक सतत विकास का परिणाम होता है। आज हमारा संविधान 63 साल का हो चुका है और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी उसने हमारी अखंडता को बरकरार रखा है। हम विश्व पटल पर एक मुकाम स्थापित कर रहे हैं। भारत सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बापू का सपना धीरे धीरे ही सही लेकिन साकार होता दिख रहा है। और भारत अगर कल चरक और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का रहा तो आज अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस का भी है। भारत कल भी समृद्ध था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत तो विविधताओं का देश है। आजादी के लिए तो सतत लड़ना होता है, कभी भौतिक आजादी के लिए, कभी सामाजिक कुरीतियों से आजादी के लिए, कभी गैरों से आजादी के लिए, तो कभी अपनों से आजादी। आजादी का तो अपना चक्र होता है, इसका अंतिम चरण मानवता। मेरी नजरों से भारत को देखो, जहां हजारों आजाद, हजारों भगत और हजारों नेहरू भारत एक राष्ट्र के लिए क्रांति पर निकल पड़े। क्रांति का बस रूप अलग। आओ मेरी नजरों से देखो भारत के विभिन्न रंगों को। बाबू डांस करते क्या चलेगा?
You got it.